टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। हमने एक गैल्वेनोमीटर पहले भी किया था जिसका नाम क्या था, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मैग्नेट फिक्स थी, कॉयल घूमती थी, इसका नाम है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। इसमें मैग्नेट घूमती है और कॉयल फिक्स है, दोनों करंट मेजर करते हैं। क्या काम है इसमें, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन में, बस एक ये करंट कैरिंग लूप्स हैं, बटन लगे हुए हैं। आप पहला बटन दबाओगे टू, इसमें दो कॉयल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, 50 दबाओगे 50 टर्न्स एक्टिवेट हो जाएंगे, 50 टर्न में करंट जाएगा, 500 का बटन दबाओगे 500 टर्न्स के अंदर करंट जाएगा, टर्न्स बढ़ाने से बी बढ़ जाता है। एक यहाँ लगी हुई है मैग्नेटिक नीडल जो घूम सकती है, तो क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले ये देखते हैं इस ऑपरेटर्स को यहाँ रख देते हैं, और मान लो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे आके रुक गई, जहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रुकती है ना उसी तरफ एच होता है, वही आपका एच होता है। ये 2D नीडल है, 2D ऐसे घूमने वाली, एक 3D भी होती है, क्योंकि 3D तो टोटल भी बताती है आपको, लेकिन 2D तो ऐसे घूम नहीं पाएगी नीचे, तो आपको एच बताएगी, तो ये ऐसे घूम सकती है, राइट। तो ये यहाँ रुक गई तो एच आपका इस तरफ है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसके अंदर, इसके अंदर अगर ये एच है, ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ये निकाले, तो मैंने ये मूवेबल होता है, ऐसे मूवेबल है, तो मैंने इस इन टर्न्स को बिल्कुल एच के साथ पैरेलल कर दिया। अगर ये एच यहाँ होता, सुई यहाँ रुकती, कोई बात, नंबर ऑफ टर्न यहाँ कर देता, अगर ये यहाँ रुकती ऐसे कर देता, इसके ऊपर रखा था मैं, ठीक है। करंट जो मेजर करना है इनमें पास करूँ, जैसे इसमें करंट गया, करंट गया, तो इसने बी कैसे जनरेट किया, इस तरफ, एच कहाँ पर था, इस तरफ, बी कैसे है, बाहर, तो आपस में 90 डिग्री पे फील्ड जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, एच और बी में एंगल, एच और एफ में एंगल 90, क्लियर है। तो जो मैग्नेटिक नीडल जो यहाँ टिकी हुई थी वो यहाँ से हटके बीच में आ जाएगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एच, क्यों, अब वो यहाँ क्यों रहेगी, अब वो दो फील्ड के बीच में है, एच में भी और एफ में भी, एफ का मतलब जो आपने फील्ड अप्लाई किया, तो थीटा एंगल पर आगे रुक जाएगी, तो टेंजेंट तो लगा लो ना, एफ फिजिकल टू एच टेन थीटा, एफ किसके इक्वल है, यूनिट बाई 4π 2π ni बाई आर एच टेन थीटा। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से आपने जो सेंटर पे बी जनरेट किया, ये आपका बी है, ये अर्थ का बी है, इंटू टेन थीटा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट निकल गया, तो ये पूरा ये 2π और 4π कट गया, इस 2R को इसके नीचे ले आए, इसको नाम दे दिया जी, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से एच बाई जी को एक नया नाम दे दिया के, तो ये करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे आता नहीं है, मैंने बता दिया कि क्या इसमें फिनोमेना यूज होगा, टेंजेंट लॉ इसमें कैसे यूज करना है, दैट्स इट।